तलबा तैयारी शुरू कर दें। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात का शेड्यूल फाइनल, 26 जून से 12वीं के इम्तिहानात का आगाज, 10 जुलाई से मैट्रिक के पर्चे शुरू होंगे। 9वीं और 11वीं जमात के इम्तिहानात सितंबर में लेने का फैसला, डेट शीट दो रोज में जारी होगी, यकुम से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की छुट्टियों की तजवीज़, NCOC 3 जून को फिर सर जोड़ेगी। कौम का मुस्तकबिल महफूज बनाने का फैसला, 19 साल से ज़ायद वालों की वैक्सीनेशन की तैयारियां, कल से रजिस्ट्रेशन का आगाज होगा। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, शहर के 22 वैक्सीनेशन सेंटर फाल, शहरियों को कोरोना से बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं, अब तक लाखों लोग मुस्तफीद हो चुके। मुस्बत मौशी पॉलिसीज काम दिखाने लगी, पंजाब पर अंदरूनी बैरूनी कर्जे 5% कम हो गए, तीसरी तिमाही में कर्ज हुजूम 42 अरब 77 करोड़ कम हुआ, हुकूमती रिपोर्ट में दावा, मजमूई कर्जों का हजम कल GDP का 3.6% करार दिया गया। करोड़ों की जायदादें मगर जायदाद टैक्स सिफर, नए माली साल में हाईवे के अतराफ जायदादों से 7 अरब टैक्स वसूली का हदफ, फी किनाल 5,000 से 8,000 रुपए टैक्स लागू होगा। हुकूमत की अदम तवज्जोही, शहर की 9 अहम शाहराहों की हालत खस्ता, फिरोजपुर रोड, ड्राइवर रोड, मुल्तान रोड, सगियां रोड कई मुकामात से टूट फूट का शिकार, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, सड़कें आखिरी बार 2018 में मुरम्मत की गई थी। उधर 6 तरक्याती स्कीमों के लिए 19 करोड़ 20 लाख रुपए के फंड्स मंजूर, खारक ड्रेन के लिए 5 करोड़ भी शामिल, साधु की ठोकर न्याजबे की कच्ची गलियां भी पक्की होंगी। फंड्स कम, वसाइल ना होने के बराबर, सिक्योरिटी का निजाम कैसे चलेगा, 1.25 करोड़ आबादी वाले शहर की हिफाजत के लिए 24 अरब का बजट, उसमें से भी 80% पुलिस की तनख्वाहों में निकल जाता है, 5% पेट्रोल पर खर्च, बाकी 15% से काम चलाया जाने लगा, हिसाब लगाएं तो एक शहरी की सिक्योरिटी पर सिर्फ 5 रुपए खर्च आता है। फंड्स में ताखीर, ऑरेंज लाइन ट्रेन की सिक्योरिटी के लिए आलात ना खरीदे जा सके, 25 करोड़ 71 लाख के सरेंडर, वायरलेस सेट, ड्रोन कैमरे, वॉक थ्रू गेट्स, जनरेटर, कंप्यूटर और दीगर सामान की खरीदारी ठप। उधर फंड्स मिलने के बावजूद थानों की तामीर और दफातर की तजीनो आराइश नामुकम्मल, 6 करोड़ 60 लाख लेकर भी काम मुकम्मल नहीं हो सका, हुकाम ने तहरीरी खातों की बजाय विजुअल तफसीलात मांगी। पंजाब हुकूमत का वासा की तरक्याती स्कीमों के साथ अनोखा मजाक, नकासी और फराहमी आपकी स्कीमों के 40 करोड़ के फंड्स उठा लिए, हाजी कैम ड्रेन, इचरा, सांधा कलां, गुलिस्तान कॉलोनी की स्कीमों के फंड्स वापस, PMD बोर्ड से बगैर एतमाद में लिए फंड्स की वापसी का शिकवा। वजीर आजम हेल्थ प्रोग्राम, 8 करोड़ में प्राइवेट सिक्योरिटी की खिदमत देने का फैसला, माँ बच्चे की सेहत और BHU प्रोग्राम के फंड से कटौती होगी। कोरोना से बचाव के लिए लगाई गई डिसइंफेक्शन टनल्स और गेटवेज अचानक गैर मुअस्सर करार, 1.25 साल बाद फौरी हटाने का हुक्म, कमिश्नर लाहौर ने सरकारी और निजी इदारों के बाहर रखी डिसइंफेक्शन टनल्स हटाने का हुक्म दे दिया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की रिवायती सुस्ती, 126 डॉक्टर्स की ग्रेड 20 में तरक्की के बावजूद नोटिफिकेशन जारी ना हो सका, हुकूमत ने अप्रैल में 126 एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल अफसरान को प्रिंसिपल मेडिकल अफसर के ओहदे पर तरक्की देने की सिफारिश की थी। उधर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशात पर 32 डॉक्टर्स को सीनियर रजिस्ट्रार शोभा कार्डियोलॉजी का ओहदा मिल गया। माफिया बेलगाम, आसमान पर पहुंचा दिए गंदम के दाम, हुकूमत ने गंदम की फी मन कीमत 1800 रुपए मुकर्रर की, शहर में 2,080 रुपए मन फरोख, जिले इंतजामिया ने आंखें बंद कर ली, तंदूर मालिकान ने भी रोटी महंगी कर दी, नान दायों के खिलाफ एक्शन की बातें दावों तक महदूद, महंगाई के चक्कर में गरीब धन चक्कर बन गया। डॉलर की कदर में 41 पैसे इजाफा, 154 रुपए 78 पैसे पर बंद हुआ, सोने की कीमतों में दूसरे रोज भी बड़ा इजाफा, 1 तोला सोना 1950 रुपए महंगा, 24 कैरात 1,13,200 का तोला हो गया। फरोगे तालीम की दावेदार हुकूमत का तलबा दुश्मन इकदाम, शहबाज शरीफ दौर की लैपटॉप स्कीम के बच जाने वाले, 10,000 कंप्यूटर तलबा की बजाय
सरकारी दफातर को देने का फैसला। महकमा हायर एजुकेशन, महकमा माल, पीटीआई और कॉलेजेस के मुंतजमीन फैजियाब होंगे, काबीना ने मंजूरी दे दी। स्कूलों की बोसीदा इमारतें, बगैर छतों की दर्जगाहें, निजामी तालीम की अबतरी का नोहा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को होश आ ही गया। शहर के 9 स्कूलों की बोसीदा इमारतें गिरा कर नई बिल्डिंग तामीर करने का फैसला। बगैर छत के स्कूल को साइबान मिलेगा। हुकूमत मंसूबे के लिए 1.5 अरब के फंड रखेगी। मजदूर का बच्चा भी स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, बड़ा अफसर बनेगा। पंजाब हुकूमत मेहनत कशों के बच्चों को स्कूल तक ले जाएगी। फैक्ट्री, दुकान, गोदाम, पेट्रोल पंप्स पर काम करने वालों को एजुकेशन फॉर्म भरना होगा। बच्चों को स्कूल ना भेजने पर वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। जहाजों की कमी और टेक्निकल मसाइल का सामना। एयरपोर्ट पर 26 परवाजें मंसूख, 5 ताखीर का शिकार। शारजा, दुबई, बहरीन जाने वाली परवाजें मंसूख हुई। कराची तक लाहौर ट्रेन ऑपरेशन में भी ताखीर। शाह हुसैन 3, बिजनेस एक्सप्रेस 2 घंटे लेट। टीचिंग अस्पतालों में तशखीसी सहूलियात का फुकदान। सर्विसेज अस्पताल की नई ओपीडी में नस्ब एक्सरे मशीन खराब। मरीज और उनके लवाहिकीन परेशान। प्राइवेट लेबोरेटरीज के चक्कर काटने लगे। भारी भरकम टैक्स वसूली मगर सहूलत धेले की नहीं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी के व्यापारियों का सबर जवाब दे गया। इंतजामी बदनज़मी के खिलाफ एहतजाज। पानी, लाइट, सिक्योरिटी की फौरी फराहमी का मुतालिबा। महंगाई बढ़ गई, तनख्वाहों में इजाफा करो। मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन का एहतजाज। मुतालिबात के हक में नारे। हुकूमत से तनख्वाहों में 25% इजाफे का मुतालिबा। दिल के मरीजों के साथ भी धोखा। चंद दिन की दवाई देकर खातों में महीनों का इंद्राज। PIC में महाना 5 करोड़ की करप्शन हो रही है। MPA हिना परवेज बट की पंजाब असेंबली में करारदाद। अद्वियात की मुबैना चोरी की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का मुतालिबा। UET में अंधेर नगरी चौपट राज। यूनिवर्सिटी बंद होने के बावजूद तलबा से स्पोर्ट्स, इंटरनेट, मेडिकल और लेबोरेटरी की मद में फीस वसूल। 13,000 मजबूर वालिदैन की जेब से लाखों निकल डालिए। मुतासरीन का वजीर आला से नोटिस का मुतालिबा। छुट्टी नहीं है, मुंह से ये काफिर लगी हुई। LDA शोभा टाउन प्लानिंग में रिश्वत का बाजार गरम। अफसरान ने फ्रंट मैन रख लिए, हर काम के दाम मुकर्रर। असिस्टेंट डायरेक्टर्स अतीक मुगल, अमार यासिर, तैयब अली, उस्मान बशीर और उमर मजीद पर जेबें भरने के इल्जाम। DGLDA ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। घर का भेदी लंका ढाए। लेस्को के फील्ड स्टोर चूंग से 6,64,00,000 का मटेरियल चोरी। FIA का तहकीकात का आगाज। रीजनल स्टोर मैनेजर समेत 12 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद नईम, साकिब खान, मोहम्मद मोहसिन और दीगर शामिल। सेल्स टैक्स की मद में अनोखा फ्रॉड। FBR की छापामार टीम का रायवन रोड पर छापा। ओक स्टील एंड मेटल मिल की जगह खाली इमारत। रिकॉर्ड ना प्रोडक्शन यूनिट। मिल खातों में 30 करोड़ का स्टॉक दिखाया गया। झूठी रसीदों पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। जौहर टाउन से नैब का जाली अफसर गिरफ्तार। 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान को ब्लैकमेल करता। कमरे से 44,00,000 नकदी और असलहा भी मिला। उधर जाली DG नैब की फोन कॉल्स के जरिए वारदातें। जाली अफसर स्टाफ अफसर बनकर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर पर भी रोब झाड़ता रहा। हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। नई तामीर होने वाली इमारतों में खसूसी अफराद के लिए सहूलतों का हुक्म। रैंप लाजमी करार। मंजूर शुदा इमारतों में खसूसी अफराद के लिए टॉयलेट्स भी बनाए जाएं। अहकामात पर अमल दरामद के जायजे के लिए 15 रुकनी कमेटी कायम कर। खावन नशा करता है, घर में अफलास के ढेरे, बच्चे भूख से मर जाएंगे। मजबूर माँ की दिल खराश आ। लखते जिगर की जिंदगी बचाने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भिजवाने की इस्तदा। सेशन कोर्ट ने इकरा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। क्या रियासत मदीना में ऐसा भी होता है? आम शहरियों का सवाल। आए रोज घरेलू झगड़े, खानदानी निजाम कमजोर। मोहब्बत रुखसत हुई, 2 हफ्तों में 30 खवातीन को तलाक की डिग्रियां जारी। फैमिली कोर्ट लाहौर में रोजाना 10 से 12 तलाक के केस दायर होने लगे। खर्चा न देने, मारपीट की शिकायत आम।
जाती उम्रा राजी के इंतकाल मंसूखी के खिलाफ समाअत 8 जून तक मुलतवी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कमिश्नर लाहौर की जानिब से जवाब जमा ना कराया जा सका। सिविल कोर्ट से फरीकैन को दोबारा नोटिस जारी। इश्तियाल अंगेज तकारीर और बगावत केस, जावेद लतीफ के जुडिशियल रिमांड में 2 रोज की तौसी। लीगी रहनुमा को अदालत पेश न किया जा सका। मॉडल टाउन कचहरी में इंतजार करते रह गए मतवाले, मुलाकात न होने पर एहतजाज नारेबाजी। सरकारी अफसर को थप्पड़ मारना महंगा पड़ गया। हाई कोर्ट से लीगी एमपी की दरख्वास्त जमानत खारिज। पुलिस ने मियां नवीद को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर पाक पतन को थप्पड़ मारने का इल्जाम है। ख्वाजा सिराओं से निकाह का मुतनाज़े बयान, मुफ्ती अब्दुल कवी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। मुफ्ती साहब पेश ना हुए, एडिशनल सेशन जज मसूद बड़ाश बरहम, दोबारा तलबी का नोटिस जारी। मामला उलमा बोर्ड को भिजवाना चाहते हैं। एसपी सिटी की सदा, 2 जून तक की मोहलत मिल गई। जस्टिस अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस नामजद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 10 जून को जुडिशियल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। मौजूदा चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान 5 जुलाई को रिटायर हो जाएंगे। पंजाब ने हमेशा कुर्बानी दी, अपने हिस्से का पानी भी सिंध को दिया, फिर भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पंजाब असेंबली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। वजीर आपाशी की सिंध हुकूमत को बिराग से पानी के अखराज के जायजे की दावत। नवाज शरीफ के जिक्र पर हुकूमती अरकान का पारा चढ़ गया। महमूद रशीद ने गद्दार ठहरा दिया। कि मैं मुखलिस नीयत, खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती, इस्तकाम, बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तकाम, बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। चौधरी निसार ने तकरीबन 3 साल बाद रुकने पंजाब असेंबली का हल्फ उठा लिया। डिप्टी स्पीकर दोस्त निजारी ने हल्फ लिया। निसार की वापसी पर नून लीग 2 धड़ों में तकसीम। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक, इसहाक डार, राना तनवीर, रोहेल असगर और अयाज सादिक नर्म गोशा रखते हैं। मरियम नवाज, परवेज रशीद, शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर चौधरी निसार को पार्टी का हिस्सा नहीं समझते। कुछ अराकीन चौधरी निसार और रोहेल असगर की मुलाकात से भी नाराज। खलील ताहिर संदूकार, रोहेल असगर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। ग्रीन ग्रुप के बाद तहरीक इंसाफ का हम ख्याल ग्रुप भी सरगर्म। गजनफर अब्बास की क्यादत में वफद कल वजीर आला पंजाब से मिलेगा, मुतालिबात पेश करेगा। कायम मुकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही से सदर एफका हाजी इरशाद की मुलाकात। सरकारी मुलाजमीन के मसाइल से आगाह किया। रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस का भी मुतालिबा। मियां रियाज, जुल्फिकार भट्टी, हाशिम फरहान, राना अदनान, बशीर सयाल भी मौजूद थे। तब्दीली के नाम पर आवाम से धोखा हुआ। नाअहल हुक्मरानों ने सियासी इंतकाम के अलावा कुछ नहीं किया। हमजा शहबाज की पार्टी और अकलियती रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। जमाल शाह काकर, डॉक्टर कैसर शहजाद और राना एहसान अफजाल से सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लीगी रुकन पंजाब असम्बली का पाँव फिसल गया। चौधरी इकबाल गुजर ऐवान की सीढ़ियों पर गिर पड़े। इमदादी टीमों ने फौरी गंगाराम अस्पताल मुंतकिल किया। तिबी इमदाद के बाद घर भेज दिया। लाहौर का नया सफाई निजाम, शहर सुबह 7 बजे से पहले साफ होगा। कचरा कंटेनर रात में खाली करने की पाबंदी। अमला घर से कचरा उठाएगा। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान अचानक दौरे करेंगे, शहरियों से फीडबैक लेंगे। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का कल से आगाज। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को ड्यूटियाँ तफवीज कर दी। जून जुलाई की चिलचिलाती धूप, गर्मियों में बारात को खुले आसमान तले कैसे बिठाएं? एसी, केटरिंग का खर्चा कौन देगा? शादी हॉल मालिकान परेशान। जुनेद ज़िया की क़यादत में वफ़द की लाहौर चैम्बर आमद। सदर मियां तारिक मिसबा को दुखड़ा सुनाया। हुकूमत से इंडोर तकरीबात की इजाजत का मुतालिबा। बरतानवी नुमाइंदा एलेक्स बिलिंग्स का पंजाब बोर्ड सरमायाकारी ऑफिस का दौरा। सीईओ डॉक्टर अरफा इकबाल और दीगर शख्सियात से मुलाकात। सेहत, तालीम, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार किया।
फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, ख्वाजा सिरा भी मैदान में आ गए। लिबर्टी गोल चक्कर पर इसराइल के खिलाफ एहतजाज, आर्मी बरादरी का मुर्दा जमीन जगाने की कोशिश। फ्लैटीज होटल में अमले और मेहमानों की वैक्सीनेशन, डायरेक्टर ऑपरेशंस अरशाद भी अंजुम जिले इंतजामिया के शुक्रगुजार। स्टेज फनकारों ने भी वैक्सीन लगवा ली, ताहिर अंजुम, शाहिद खान, अकरम उदास, कैसर पिया और दीगर शामिल। और कौमी क्रिकेटर्स के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर गौर, दौरा इंग्लैंड से कबल ऐलान मुतवक्के। हसन अली, फखर जमान और फहीम अशरफ को भी कैटेगरी में जगह मिलने का इम्कान, अजहर अली और फवाद आलम का नाम भी जेरे गौर।